हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूँ आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल पे। और बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक से चल रही होगी। और मैं हूँ वसीम चौहान, आपका विज्ञान का टीचर। क्लास 10 का साइंस हम पढ़ रहे हैं। और बेटा, आज हमें भाग 8 स्टार्ट करना है इस चैप्टर का। और बेटा, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नाम होता है गोलीय लेंस, स्फेरिकल लेंस कहते हैं इसको हम इंग्लिश में। और लेंस का ही आज पूरा हम पढ़ने वाले लेंस के बारे में। तो आपको रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठना है और चीज़ों को फोकस के साथ नोट करते जाना है। आइए शुरू करते हैं भाग 8। तो बेटा, हमें एक्चुअल में लेंस पढ़ना है कि लेंस होता क्या है। देखो, लेंस एक हमारी सपोज करो कि ऐसा उपकरण होता है जो प्रकाश का अपवर्तन कराता है। अपवर्तन का मतलब क्या होगा कि प्रकाश जब आएगा तो लेंस से पास होगा तो उसके जो मार्ग है उसमें थोड़ा विचलन पैदा हो जाएगा, थोड़ा डेविएशन पैदा हो जाएगा। तो ऐसी मशीन, या कहूँगा मैं ऐसा उपकरण जो प्रकाश के मतलब यू नो मार्ग में विचलन पैदा कर देगा, उसी को मैं एक तरह से क्या कह सकता हूँ, लेंस। जैसे हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था कभी, उसको हमने कहा था क्या, हमने देखा था कि वहाँ पर जो प्रकाश की किरण आ रही है वो जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम वापस चली गई है। हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, पढ़ा था रिफ्लेक्शन, पढ़ा था। तो जो मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं, वो प्रकाश का परावर्तन करते हैं। लेकिन अगर जो लेंस की मैं बात करूँगा तो लेंस क्या करता है, प्रकाश का अपवर्तन करता है, उसको वापस उसी माध्यम में नहीं भेजता है, उसके पाथ में थोड़ा विचलन पैदा कर देता है। तो ये थोड़ी सी बात बेटा मेरा लेंस के बारे में थी। अब एक्चुअल में लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो है उसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स कहा जाएगा और अवतल को कॉनकेव कहा जाता है। अब बेटा, तो शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो आप हेडिंग लिखिए बेटा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में कुछ बातें बेसिक सी करेंगे, फिर मैं हर एक के बारे में बताऊँगा कि इमेज फॉर्मेशन जो है प्रतिबिंब किस तरीके से बनाता है। बेटा, अगर मैं पहचान की बात करूँ आपसे कि उत्तल लेंस कैसा होता है, तो देखो जो बीच में से मोटा होता है और जो उसके एंड हैं, जो सिरे हैं, वहाँ से थोड़ा पतला होगा, यानी बेटा इस शेप का होगा। इस शेप का जो आपको लेंस मिलेगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, उत्तल लेंस कहता हूँ। और इसका जस्ट ऑपोजिट अवतल होगा। अवतल मतलब कि बीच में से पतला होगा और जो एंड है, जो अंतिम सिरे हैं उसके, सिरों पे से मोटा होता है, यानी ऐसे होगा बेटा कुछ ना, ये होगा। तो इस तरह की जो शेप होगी तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, अवतल कहता हूँ। और इस तरह का जो क्या होगा शेप होगी उसको क्या बोलता हूँ, उत्तल कहता हूँ। दर्पण के बारे में मैंने आपको याद कराया था शेप ना, दर्पण जब मैं आपको बता रहा था आपको याद होगा कि शेप से मतलब नहीं होता है, शेप से मतलब नहीं होता, वहाँ मतलब आपको होता परत से, कि सतह पर आपने वहाँ पर परत लगाई है। अगर आपने परत बाहर वाले सतह पर लगाई है तो बेटा उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं अवतल दर्पण कह रहा था। और जो अगर अंदर वाले सतह पर आपने बेटा कोटिंग की है, परत लगाई है, उसको मैं उत्तल दर्पण कहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मतलब बीच में से मोटा होगा, साइड में से पतला होगा, यहाँ बीच में से मतलब कैसा होगा, पतला होगा, साइड में से मोटा होगा। तो ये पहचान होती है बेटा मेरा उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की। अब कुछ बातें हैं जो हमें करनी है, कुछ मतलब ऐसे बेसिक शब्द हैं जो आपको बेटा इसमें थोड़े से सीखने हैं। देखो, मतलब बात यह है कि जो लेंस हमारे होते हैं वो भी अगर उनके सामने वस्तु रख देंगे तो वस्तु का वो बेटा इमेज फॉर्म करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक शब्द सीखने हैं। तो बेटा, जैसे सपोज करो ये मेरा लेंस है और मैंने बताया इसका इस तरह की अगर आकृति मिलेगी तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस कहता हूँ, उत्तल दर्पण कहता हूँ। अब वहाँ भी एक लाइन जाएगी, यहाँ भी एक लाइन जाएगी, इस लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ओके बेटा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ बीच में एक बिंदु मिलने वाला है बेटा। वहाँ पर मैंने उसको आपको याद होगा उसको पी कहा था, पोल कहा था, लेकिन यहाँ पर पी नहीं होता, यहाँ पर बेटा ये बिंदु होता है ओ, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है इसको। और बेटा हिंदी में इसको हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। मिरर के केस में यहाँ पर जो बिंदु आया था उसको पोल कहा था, लेकिन अगर लेंस के केस में बात करूँगा तो यहाँ पर ओ कहेंगे। ओ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर, हिंदी में उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। आप खुद देखो कि ये हमारा मतलब यू नो, अब जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, उसको एफ वन कहते हैं, फर्स्ट फोकस कहते हैं, है ना बेटा। वहाँ पर भी क्या था, अगर इसकी बात करूँगा तो यहाँ पर एक बिंदु था फोकस F था, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया हो, F1 बन गया है। आगे जाएंगे तो ये जितनी दूरी है अगर उसका भी हम क्या कर देंगे बेटा, डबल कर देंगे, तो यहाँ पर हमें एक दूसरा फोकस मिलेगा उसमें, है ना बेटा। उसको या तो आप F2 कह दो या उसको आप क्या कर दो, ट्वाइस F1 कह सकते हैं। तो दो फोकस होते हैं, एक ये वाला फोकस और एक ये वाला फोकस, F1 और F2 वाला बेटा। मतलब या तो F1 है या F2 कह दो, या फिर अगर सही तरीका क्या होता है इसमें, F1 और कितना जाएगा बेटा, टू F1 हो जाएगा, ठीक है। और तो ये बेटा हमारे कुछ मतलब क्या थी, बातें थी। अब हमें ये देखना है कि जो इनका लेंस जो हम पढ़ रहे हैं उत्तल और अवतल, इनका नेचर कैसा होता है। बेटा अगर मैं इनके नेचर की बात करूँगा
तो जो ये उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की जो किरण आ रही है उसकी आ रही होती है उसको एक केंद्र बिंदु की तरफ को मोड़ देता है, कन्वर्जिंग होता नेचर में, है ना बेटा, अभिसारी कहते हैं उसको, है ना। तो ध्यान रखना कि मैं बेसिक बेसिक बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा आपके लिए और पहला वर्ड जो है वो कौन सा बेटा है हमारा, अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब देखो बात समझो कि ये मेरा बेटा एक लेंस है, ठीक है, ये रेखा जा रही है, रेखा का नाम है हमारा मुख्यक्ष रेखा। तो यहाँ से अगर पैदल कोई लाइन आएगी तो वो उसको क्या कर देता है बेटा, मतलब अंदर की तरफ को मोड़ देता है। तो जो अंदर की तरफ को मोड़ेगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, अभिसारी। यानी कि याद रखना कि उत्तल दर्पण जो है वो प्रकृति में अभिसारी होता है, ठीक है। और इसका उल्टा होता है बेटा कौन सा, अपसारी। अपसारी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो इंग्लिश में इसको हम डाइवर्जिंग कहते हैं, मतलब जो हमारा अवतल लेंस होता है, अगर ये कोई हमारी प्रकाश की बेटा आई है, किरण आई है, तो वो उसको क्या करता है, दूर फैला देता है। तो जो दूर फैलाने वाली जो प्रकृति होती है बेटा उसको मैं क्या बोलता हूँ, अपसारी कहता हूँ, या उसको मैं क्या कहता हूँ, डाइवर्जिंग कहता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें ध्यान रखना। मैंने बताया कि जो उत्तल दर्पण होता है वो अभिसारी होता है और जो अवतल होता है वो अपसारी होता है। अभिसारी का मतलब होता है अंदर की तरफ को मोड़ना और अपसारी का मतलब होता है बाहर की तरफ को मोड़ना, फैला देना, है ना बेटा। तो ये हमने बात की अभी बेटा, हमें प्रतिबिंब जो बनता है लेंस के द्वारा उससे संबंधित कुछ नियमों का अध्ययन करना है। तो आइए पढ़ते हैं प्रतिबिंब संबंधित कुछ नियम, और हम लेंस पढ़ रहे हैं ना। देखो पहला नियम क्या बताता है कि बोलता है अगर ये हमारा कोई लेंस है, है ना बेटा, और ये एक रेखा हमने खींची है, इसको हम मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। तो अगर कोई प्रकाश की किरण जो है वो समानांतर आई है इस मुख्य अक्ष रेखा के, है ना बेटा, ये इस तरीके से आई है और ये हमारी ये इस तरीके से आई है, तो अपवर्तन हो जाएगा। क्योंकि लेंस क्या करता है, लेंस एक ऐसी डिवाइस होती है जो प्रकाश की किरण का या प्रकाश का अपवर्तन करती है। तो अपवर्तन होने के बाद जो है बेटा ये, क्योंकि हमें पता है ना आपको कि ये जो लेंस है हमारा उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस का नेचर होता है वो हमारा अभिसारी होता है, कन्वर्जिंग नेचर में होता है। तो पैरेलल आने वाली रेखाएं, और यहाँ पर आपको पता है इसका फोकस होता है ना बेटा, तो होगा क्या कि पैरेलल आने वाली जो है रेखाएं होंगी वो अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलती हैं। ये बेटा प्रथम नियम है जो आपको ध्यान रखना, बहुत इजी सा है कि अगर समानांतर रेखाएं आएंगी मुख्य अक्ष रेखा के, तो वो जब लेंस से पास होंगी, लेंस से पास होने के बाद वो बेटा एक पॉइंट पर मिलेंगे, उसका नाम क्या होता है, हमारा फोकस होता है। अब देख रहे हो ये वास्तव में ऐसा हो रहा है कि वास्तव में फोकस पर मिल रही है, है ना, ऐसे आई है और यहाँ पर आकर मतलब यू नो अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन के बाद यहाँ पर फोकस मिल गई है, इसलिए ये जो सारे प्रतिबिंब बनाएगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और अगर इसी नियम को मैं आपको जो मेरा अवतल लेंस होता है उसके लिए शो करूँ, तो बेटा सपोज करो ये मेरा बेटा क्या है, एक है अवतल लेंस, और ये रेखा मैंने यहाँ पे खींच दी है। इस रेखा का नाम आपको बताया किसको प्रिंसिपल एक्सिस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। और सेम कहानी है कि ये यहाँ से इस तरीके से हमारा बेटा कुछ पैरेलल आई है। अब देखो कहानी बेटा ये है यहाँ पर कि ये जो लेंस होता है इसका नाम अवतल लेंस है। अवतल लेंस की जो प्रकृति है वो अपसारी है, वो जो प्रकाशीय किरण आई है उसको फैलाने का काम करता है। तो इसने बेटा इस तरीके से इसको क्या कर दिया है, फैला दिया, स्प्रेड कर दिया है, है ना। अब लेकिन रूल बताता है कि समानांतर रेखा अगर आएगी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, अगर समानांतर आएगी तो उसको फोकस से पास होना है। अब यहाँ तो फोकस नहीं है, अब फोकस यहाँ तो इस साइड हो सकता है या फिर साइड हो सकता है, तो यहाँ पे फोकस तो मैंने क्या किया इसको बेटा, मैंने इसको जो है मतलब यू नो पीछे की तरफ को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो पीछे की तरफ को बढ़ाया तो तब मैंने क्या देखा, तभी ये मेरा कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो यहाँ पे वो खुद फोकस से पास नहीं हो रही है, उसको फोकस से पास करवाया जा रहा है। इसलिए ये अवतल लेंस जो है, ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो बेटा आभासी बनाता है, और जबकि ऊपर वाला जो था उत्तल लेंस जो था वो जो प्रतिबिंब बनाएगा वो वास्तविक बनाएगा ना। तो ये ध्यान रखना है। तो पहला नियम बहुत आसान था, हमने देखा कि अगर कोई प्रकाश की किरण समानांतर आ रही है मुख्य अक्ष रेखा के, तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से पास होती है। उत्तल लेंस के केस में वास्तव में ऐसा होता, फोकस से पास हो गया, फोकस पर मिल जाएंगी वो, क्योंकि कन्वर्जिंग नेचर का होता है, अभिसारी नेचर का होता है। पर अगर मैं बात करूंगा बेटा अवतल लेंस के बारे में, तो अवतल लेंस जो है वो मतलब उसको फैलाने का काम करता है, तो वास्तव में वो फोकस से पास नहीं होती है, उसको फोकस से पास करवाया जाता है जब उसको पीछे की तरफ को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो बेटा ये हमारा जो था पहला नियम था। आगे देखो नेक्स्ट जो नियम है, जो पहला नियम हमने पढ़ा है कि समानांतर आने वाली फोकस में मिलेगी, दूसरा वाला जो है बेटा उसके बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है उसके। मतलब क्या होगा कि ये अगर मेरा लेंस है और ये मैंने रेखा खींची है प्रिंसिपल एक्सिस, और बेटा दूसरा क्या बताता है कि अगर फोकस से कोई मतलब प्रकाश की किरण आ रही है, इस बार जो सोर्स है लाइट का वो फोकस पे रखा है,
यानी फोकस आपको पता है कि उत्तल लेंस का फोकस मैंने बताया था दाई तरफ होता है, तो यहाँ पर इसका फोकस है F1 मान सकते हैं उसको हम। और यहाँ पे हमने कोई लाइट का सोर्स रखा है, यहाँ से लाइट ऐसे गई है ना बेटा, यानी फोकस से आ रही है। अब फोकस से आई, जैसी लेंस से टकराएगी वो, तो लेंस क्या करेगा, उसको लेंस में जाने पर मतलब अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा उसका। तो वो लेंस से जब बाहर निकलेगी यहाँ से बेटा, तो वो कैसे जाएगी, बिल्कुल समानांतर जाती है, पैरेलल निकल जाती है। पहला वाला क्या था कि पैरेलल आएगी, समानांतर आएगी तो फोकस से मिलेगी। दूसरा वाला जस्ट उसका ऑपोजिट है कि अगर वो फोकस से जाएगी तो बेटा लेंस से पास होने के बाद वो सीधी निकल जाएगी समानांतर मुख्य अक्ष रेखा के, ठीक है। और यहाँ पर वास्तव में ऐसा हो रहा था, इसलिए यहाँ भी जो इमेज बनेगी वो हमारा मतलब कैसी बनेगी बेटा, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनने वाला है। इसी रूल को बेटा अगर मैं आपको समझान आपको मैं जो है यू नो जो अवतल लेंस मेरा होता है ना, अगर अवतल लेंस के हेल्प से मैं इसको समझाऊँ आपको, तो वो कहानी होगी कि ये मेरी रेखा होगी बेटा है ना, इसको मैं क्या होता हूँ मुख्य अक्ष रेखा कहता हूँ। तो देखो होगा क्या, और यहाँ पर बेटा फोकस यहाँ पर हो सकता है, और आप यह कह दो कि फोकस इसका कहाँ पर हो सकता है, इस साइड में हो सकता है। तो अगर मतलब हुआ क्या कि इस साइड से आ रही थी हमारी है ना बेटा, इस साइड से आ रही थी ठीक है, और लेंस से जब टकराई तो ये सीधी निकल गई ऐसे करके। लेकिन अभी हमने बताया था इसको फोकस से आना चाहिए, ये तो फोकस से नहीं आ रही है। अब इसको अगर मैंने आगे को इस तरीके से बेटा हमने क्या कर दिया इसको यू नो इस तरीके से मैंने इसको आगे को बढ़ा दिया, तो ऐसा लगा कि फोकस से आ रही थी। वास्तव में मैं फिर रिपीट आपसे बताना चाहूँगा कि फोकस से आती नहीं है, उसको आगे को जब बढ़ाते जाते तो ऐसे लगता है कि उसका सोर्स हमारा फोकस हो सकता है ना। तो ये रूल ध्यान रखना है कि अगर वो फोकस से जाएगी, जब वो फोकस से जा रही थी वो पैरेलल जा रही फिर, और यहाँ भी क्या हो रहा है, हालांकि वो ऐसे रही थी लेकिन उसको पीछे को बढ़ा के देखा तो ऐसा रहा फोकस से आ रही है वो है ना। तो यहाँ से आने के बाद हमारा कैसे निकल गई, जो मुख्य अक्ष रेखा है उसके समानांतर निकल जाती है ना। तो ये दूसरा नियम था। एक नियम बेटा और है इसमें, लास्ट नियम, दो नियम मैंने आपको भी बताए, और इन नियमों का प्रयोग हम कहाँ करने वाले हैं, जब मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं है ना, तो वहाँ पर इन नियमों का बेटा हम उपयोग करने वाले हैं। तीसरा जो नियम है वो बहुत सिंपल है। देखो तीसरा बताता है कि अगर ये कोई लेंस है और बेटा ये भी मेरा एक लेंस है, ऊपर वाला मेरा क्या होता है उत्तल लेंस होता है, नीचे वाला अवतल होता है, मतलब जो साइड में से हमारा पतला है बीच में से मोटा है उसको बोलते हैं उत्तल, और जो साइड में से मोटा है बीच में से पतला उसको बोलते हैं अवतल, ठीक है। और ये रेखा, और ये भी क्या बेटा, ये रेखा मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं उसको हम। और देखो यहाँ पर एक पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं उसको है ना, प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ भी मेरा ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो अगर भी प्रकाश की किरण बेटा ऐसे आ रही है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से अंदर आ रही है, ठीक है, कोई रेखा मेरी ऐसी आई है जो हमारा कहाँ से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक बिंदु से, प्रकाशिक केंद्र से लेंस के थ्रू पार हो रही है, तो वो बिना डेविएट हुई उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, सीधी निकल जाती है जैसे वो आई थी, बिल्कुल सीधी की सीधी बेटा वो। देखो थोड़ा साफ सा नहीं बना उसे डायग्राम, एक बार देख लो ध्यान से आप लोगों, ये अगर मेरा लेंस है, ये रेखा जा रही है, और ये बेटा मेरा क्या है ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी तो इस बिंदु से पास होगी सीधी, वो उसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होगा, बिना अपवर्तित हुए वो सीधी निकल जाएगी। और ऐसी बेटा इसकी बात करूँगा, यहाँ से कोई रेखा आएगी मेरी तो सीधी निकल जाती है। तो तीन नियम है बेटा ये, और इन तीनों नियमों का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे करते हैं, जब मैं लेंस जो है जब प्रतिबिंब बनाएंगे है ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो जो प्रतिबिंब बनते हैं वो इन्हीं नियमों की हेल्प से, इन्हीं नियमों का प्रयोग करके हम उनको बनाएंगे। तो बेटा आप पढ़ते रहो, कोई सुझाव आपकी तरफ से हमारे लिए है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है, आप उसमें कॉमेंट कीजिएगा प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल ब्लू प्रिंट डिजिटल को शेयर कीजिए, आप खुद सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो बेटा पढ़ते रहो, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।